الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. آج کی اس مبارک مجلس سے سورہ فصیلت شروع ہو رہی ہے. یہ سورت مکی ہے, یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینۃ المنورہ ہجرت سے پہلے دنیا میں اتاری گئی ہے. اس سورت میں 50 اور 54 آیتیں ہیں. سورہ غافر کے بعد سورہ زخرف سے پہلے 61 نمبر کے اوپر یہ نازل ہوئی ہے. فصیلت اس کا ایک نام ہے جس کے معنی آتے ہیں جودا جودا کیا گیا, کھول کر کے بیان کیا گیا, وضاحت کے ساتھ ڈیٹیل سے بیان کیا گیا. اس مبارک سورت کو سورہ فصیلت اس لیے کہتے ہیں, حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہے, اس کے الفاظ اس کے شبد جودا جودا الگ الگ بیان کیے گئے ہیں. میننگ اور معنی کے اعتبار سے بھی سینکڑوں قسم کے الگ الگ علم نالج کی باتیں, مضمون اور ٹاپک کی باتیں اس میں الگ الگ طور کے اوپر بیان کی گئی ہے. اور قرآن کی آیت سب الگ الگ اور جدا جدا ہے. تقریباً 6666 کے قریب آیتیں الگ الگ جدا جدا اس قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے.
और उसके अंदर मसले मसाइल, शरीयत के कानून, लॉ एंड ऑर्डर, किस्से, वाकियात, अकीदे और दूसरी बहुत सारी बातें अलग अलग बयान की गई है। इसलिए समझ में आता है कि इसका नाम सूरह फुस्सिलत रखा गया हो। आप कुरान को देख लीजिए, कितना निराला, कितना प्यारा है। एक तो हर आयत अलग अलग जुदा जुदा है, नंबर दो हर सूरत अलग अलग है। 114 के करीब सूरतें कुरान मजीद में मौजूद है और हर सूरत एक अलग चैप्टर के अंदाज में है और उसके अंदर नबियों के किस्से अलग अलग बयान किए गए, कयामत की बातें बयान की गई, मरने के बाद जिंदा होने की बातें बयान की गई, मसले मसाइल बयान किए गए। कितने अजीब और निराले अंदाज के अंदर इस कुरान के अंदर अलग अलग वजाहत के साथ अल्लाह ने बात बयान फरमाई। दुनिया की बुक्स में, चौपड़ियों में उलझी उलझी, गुथी गुथी, भूल भुलैया जैसी, समझ में ना आवे ऐसी, गुचवाण भरेली, इंसान को मुझा देने वाली बातें बयान होती है। लेकिन ये कुरान की खूबी है कि उसमें अल्लाह ने आयतें, सूरतें, अल्फाज सब अलग अलग बयान फरमाए और मीनिंग और माना के एतबार से भी बातें अलग अलग बयान फरमाई। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात है। नंबर दो, इस सूरत का दूसरा नाम मसाबीह है। मसाबी के माने आते हैं बहुत सारे चिराग, बहुत सारे सितारे। चूंकि इस सूरत की एक सूरत में, इस सूरत की एक आयत में आसमान के अंदर जो सितारे जगमगाते हैं, उन जगमगाने वाले सितारों को मसाबीह के लफ्ज के साथ बयान किया गया कि आसमान के अंदर अल्लाह ताला ने जगमगाने वाले, चमकने वाले बहुत सारे सितारे, चिराग और कुमकुमे की तरह अल्लाह ने पैदा फरमाए। इसीलिए सूरत को सूरे मसाबीह भी कहा जाता है। नंबर तीन, इस सूरत का तीसरा नाम है हामीम सजदा। इस सूरत की एक आयत के अंदर सजदा है और हामीम, सात सूरतें हैं कुरान के अंदर जो हामीम से शुरू होती है। ये सात सूरतों को आले हामीम कहते हैं, यानी हामीम की फैमिली, हामीम की जमात, और उसको हवामीम भी कहते हैं। तो ये सात सूरतें यहां से शुरू होगी कि जिसके शुरू के अंदर हामीम 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 आया है।
और उसके साथ कोई दूसरा लफ्ज मिला देते हैं, जैसे कि हामीम अस्सजदा, हामीम फुस्सिलत, और एक उससे पहले हामीम अल मुमिन, इस तरह नाम बना दिया जाता है। तो ये तीन नाम हो गए इस मुबारक सूरत के। अब तर्जुमा देख लेते हैं। अल्लाह ताला ही के नाम की बरकत हासिल करते हुए मैं पढ़ता हूं, जिनकी रहमत सबके लिए है, जो बहुत ज्यादा रहम करने वाले हैं। ये तो बिस्मिल्लाह का तर्जुमा हो गया। अब आयत का तर्जुमा देखो। हामीम, ये तो हुरूफ मुकत्तात में से हैं, अल्लाह ही इसके सही मीनिंग को जानते हैं। ये कुरान उस अल्लाह ताला की तरफ से उतारा गया है, जिनकी रहमत सबके लिए है, जो बहुत ज्यादा रहम करने वाले हैं। अजीब बात, अल्लाह ताला की दो खूबियों को यहां बयान किया गया है कि कुरान जो उतारा गया है वो अल्लाह ताला की तरफ से उतारा गया है। जिन अल्लाह ताला की रहमत सबके लिए हैं, जो बहुत ज्यादा रहम करम करने वाले हैं। अल्लाह ने अपनी रहमत से, अपनी मेहरबानी से कुरान को दुनिया के अंदर उतारा, और उसके जरिए से मकसद है लोगों को कुरान की तरफ बुलाना, लोगों को ईमान की तरफ बुलाना, कुरान की बात मानने की दावत देना, और साथ साथ में तौहीद की भी दावत है कुरान के अंदर। ये बड़ी बात है कि तौहीद की दावत भी कुरान में मौजूद है। आगे, ये एक ऐसी किताब है कि उसकी आयतें जुदा जुदा की गई है, उसकी आयतें साफ साफ बयान की गई है, उसकी आयतें तफसील से बयान की गई है। यानी ये कुरान अरबी जुबान में है, जो कौम समझती है उसके वास्ते। ये कुरान तो खुशखबरी सुनाता है और डराता है, सो उनमें से अक्सर लोग ध्यान नहीं करते, जिसकी वजह से वो लोग सुनते नहीं हैं। सुभान अल्लाह। इस सूरत को, कुरान को सबसे पहले इसके मुखातब, यानी सबसे पहले जो एड्रेस किया गया, वो कुरैश के लोगों को किया गया, मक्का के काफिरों को किया गया, अरब के काफिरों को किया गया। अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर ज्यादातर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल और पैगंबर होने को बयान फरमाया है, साथ में मरने के बाद की जिंदगी को भी बयान किया गया है। ये कुरान मजीद सबसे पहले अरब के लोगों को सुनाया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया, मौजज़ात दिखाए, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कुरान पर ईमान कबूल नहीं किया। अरे, कुरान पर ईमान लाना तो दूर की बात, कुरान को समझने के लिए भी तैयार नहीं हुए, कुरान को सुनने के लिए भी तैयार नहीं हुए।
और ये मक्का के काफिर क्या कहते थे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बातें हमारी समझ में नहीं आती है, हमारे दिल आपकी बात को मानते नहीं हैं, हमारे कान आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह की बात इन लोगों ने जवाब में कह दी। हालांकि वो अरब लोग थे, उन अरब लोगों की वजह से अल्लाह ने कुरान को अरबी जुबान के अंदर नाजिल फरमाया और आखिर में फरमाया लिकौमी आलमून, ये कुरान ऐसे लोग उसको मानेंगे जिसके अंदर सोचने और समझने की सलाहियत है। सोचने की सलाहियत है ऐसे लोगों को ये कुरान ईमान की दावत देता है। जो कौम समझती है उसके वास्ते ये कुरान तो खुशखबरी सुनाता है और डराता है, सो उनमें से अक्सर लोग ध्यान नहीं करते, जिसकी वजह से वो लोग सुनते ही नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। अब इस सूरत के चमत्कार का एक अजीब किस्सा सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को ईमान की दावत शुरू की, बड़े बड़े लोग ईमान में दाखिल होने लगे। हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हु जैसे बहादुर आदमी मुसलमान हो गए, हजरत हमजा रदी अल्लाहु ताला अन्हु कुरैश के सरदार थे, वो भी ईमान ले आए। तो मक्का के कुरैशी लोग सोचने लगे कि हमने इनको डराया, धमकाया, मारा, पीटा, फिर भी ये लोग तो ईमान छोड़ते नहीं, बल्कि ईमान कबूल करने वालों की तादाद, संख्या रोजाना ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। तो इन्होंने सोचा कि चलो अब इनको लालच दो, लालच देकर के इनको ईमान छोड़ने की बात करो। एक दिन उतबा इब्ने रबीआ, ये कुरैश का बड़ा लीडर है उतबा इब्ने रबीआ, अबुल वलीद उसकी कुन्नियत थी। बहुत सारे कुरैशियों के साथ हरम शरीफ में बैठा हुआ था और हरम शरीफ में दूसरी तरफ एक कोने में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले बैठे हुए थे। उतबा अपने कुरैशी दोस्तों को कहने लगा, तुम लोग क्या राय देते हो, मैं जाऊं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊं, कुछ बात करूं उनको, कुछ उनको लालच दूं, वो अगर मेरी लालच कबूल कर ले तो इस्लाम की तबलीग करना वो छोड़ देंगे। सब दोस्त कहने लगे उतबा जाओ, तुम जाओ, तुम बहुत होशियार आदमी हो, तुम बहुत जोरदार आदमी हो, पावरफुल आदमी हो, तुम जाओ और जाके तुम बात करो। ये उतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और चूंकि
कुरैश का बड़ा आदमी था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, भतीजे मोहम्मद, तुम जानते हो ना हमारे पूरे कुरैश खानदान में अल्लाह ने तुमको एक ऊंचा मकाम दिया है, आपका खानदान, आपकी बुजुर्गी बड़ी है, लेकिन एक बड़ी मुश्किली हो गई है। क्या मुश्किली? भतीजे मोहम्मद, तुम लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत देते हो, इसीलिए कुरैश में दो पार्टी हो गई, एक अल्लाह की इबादत करने वाली जमात पार्टी और दूसरी तरफ हम बाप दादा के जमाने से जो बुतों की पूजा करते हैं वो पार्टी अलग। आप हमको और हमारे बाप दादाओं को काफिर कहते हो। मैं तुम्हारे पास कुछ ऑफर लेके आया हूं, कोई भी चीज पसंद कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बोलो उत्बा चाचा, बोलो क्या बोलना है तुमको। मैं उस रिवायत का वाकिया सुनाता, खुलासा। चाचा सुनाओ ना, मैं सुनूंगा, क्या कहना है। उत्बा कहने लगा, ए भतीजे मोहम्मद, ये जो तुमने मोमेंट चलाई है, तहरीक चलाई है, चरवड़ चलाई है, एक अल्लाह की इबादत करो, अगर तुम्हारा मकसद माल जमा करना है तो हम आपके लिए इतना माल जमा करेंगे, इतना माल जमा करेंगे कि पूरी कौम में सबसे बड़े तुम मालदार हो जाओगे। बोलो माल चाहिए, दौलत चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, हम आपको खूब माल देंगे। नंबर दो, अगर आपका मकसद हुकूमत है, सत्ता है, तो हम आप सबको कुरैश का सरदार मान लेंगे, आपके ऑर्डर के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। आपको बादशाह मानना हो तो हम बादशाह मान लेंगे। और भतीजे मोहम्मद, अगर आपके ऊपर जिन्नात का, शैतान का असर हो गया है तो बोलो, हम बड़े आमिल को, बड़े बापू को बुला करके इलाज करवावे। उस जमाने में भी ऐसे चक्कर थे जैसे आज है, कोई बीमारी समझ में ना आवे तो कहते कि बार का हो गया, डाकण लगी, भूत लगा, जिन्नात लगा, शैतान लगा, ऐसी बातें लोग करते हैं। अपने आमाल नहीं देखते कि हम कितने गंदे काम करते हैं, कितने गुनाह करते हैं, वो कोई देखता नहीं है। बेचारे जिन्नात को बदनाम करते हैं। तो यही बात उस जमाने के कुरैशी लोगों ने भी कही कि हम बड़े बापू को बुलाकर आपका इलाज करा रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ध्यान से उसकी बात सुनते रहे। और उत्बा चाचा है कि आज चाचा बन के लंबी लंबी बातें हुजूर के सामने कर रहा है, हुजूर को लालच दे रहा है, हुजूर के सामने ऑफरें रख रहा है। जब बहुत लंबी बात हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा आपकी बात पूरी हो गई। चाचा कहने लगे, हां भतीजे मेरी बात पूरी हो गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मेरी बात सुनो चाचा जान। तो उतबा चाचा कहने लगे कि मैं यकीनन सुनूंगा भतीजे, सुनाओ क्या सुनाना है। देखो ये बात करने की तरतीब कितनी अच्छी है, एक आदमी पहले अपनी बात रजू करे, पेश करे, सुनावे तो ध्यान से सुन लेने का, फिर अपनी बात सुनाने की।
दोनों तरफ से आदमी एक साथ बोलम बोल करेंगे तो लड़म लड़ करेंगे, झगड़ा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से जवाब नहीं दिया बल्कि सूरह फुस्सिलत सूरह हामीम सजदा पढ़ना शुरू की और हुजूर पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आयत पर पहुंचे, फइन आरदु फकुल अंदरतुकुम सा'इकतम मिثل सा'इकति आद व थमूद। उस आयत पर पहुंचे तो उतबा चाचा भी अरबी थे, वो अरबी समझते थे, तो उतबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रख दिया, अपने नसब का, अपने रिश्ते का, अपने खानदान की कसम दी और कहने लगा, अपने नसब और रिश्ते की कसम दी कि उन पर रहम करो, आगे ना पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत को उतबा पीछे पीठ के ऊपर हाथ रखकर टेक लगाकर ध्यान से सुन रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की आयत पर पहुंचे, सजदा किया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतबा चाचा आपने सुन लिया, अब आपकी मर्जी, ईमान लाना हो तो लाओ, जबरदस्ती नहीं है, ईमान ले आओगे तो बहुत फायदा होगा तुम्हारा, समझाया। चाचा उठे और उठ करके चले। अब चाचा के जो दोस्त फ्रेंड सर्कल वो भी पहले से हरम में बैठे हुए थे, वो दूर से देख रहे हैं, आपस में कहने लगे, खुदा की कसम चाचा का चेहरा बदला हुआ है, यहां से जाते वक्त जैसा चेहरा था ना वैसा चेहरा नहीं है। अब पूरी मजलिस वाले कहने लगे, ध्यान से सुनो भाई, चाचा क्या खबर लाए, चाचा क्या खबर लाए। तो चाचा उतबा वहां जाके कहने लगे, ए मेरे कुरेशी दोस्तों, आज मैंने ऐसा कलाम सुना, अल्लाह की कसम इससे पहले कभी ऐसा कलाम सुना नहीं था, अल्लाह की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान सुनाते हैं वो जादू नहीं है, शायरी नहीं है, काहिनों की ज्योतिषों की बात नहीं है, शैतान की लाई हुई बात नहीं है। ए मेरी कुरेश कौम, तुम मेरी बात मान लो और भतीजे मोहम्मद का मामला मेरे हवाले कर दो, तुम उनको तकलीफ मत दो, उनको उनका काम करने दो, वो जो कुरान सुनाते हैं बड़ी शान वाला है, दुनिया में उसकी शान आम होगी, तुम भी इंतजार करो, दूसरे अरबों को देखो, अगर दूसरे अरब लोग मेरे भतीजे को हरा देवे, मोहम्मद को हरा देवे, तो तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा मकसद हो जाएगा पूरा। और अगर मेरे भतीजे मोहम्मद अरब लोगों पर गालिब आ गए, जीत गए, तो तुम्हारी उनकी हुकूमत तुम्हारी हुकूमत होगी, इसीलिए कि वो भी कुरैशी, वो भी मक्का के, उनको हुकूमत जो मिलेगी वो तुम्हारी हुकूमत होगी, उनकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी, और उस वक्त तुम उनकी कामयाबी में शरीक और भागीदार होंगे। जब कुरैशी दोस्तों ने सुना तो कहने लगे, ए अबुल वलीद उतबा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है। उतबा कहने लगे, बस मेरी राय तो ये है, जो मैंने कहना था कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी जो करना हो करो, गर्ज ये कि कुरान के अंदर जो तासीर, जो चाशनी, जो मिठास
उत्बा ने सुनी, वो इतने इंप्रेस हुए, इतने मुतासिर हुए कि लोगों को ईमान लाने की दावत दे रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करने की दावत दे रहे हैं, हुजूर को सताना छोड़ दो ऐसी दावत दे रहे हैं। ये कुरान की तासीर है, कुरान की चाशनी है, कुरान के अंदर खींचाव है, कुरान में कशिश है। अल्लाह हम सबको ध्यान से कुरान सुनने की तौफीक अता फरमाए, ध्यान से कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए, ध्यान से कुरान पर अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान की बातों की तबलीग और इशात और फैलाने की तौफीक अता फरमावे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।